इसके अलावा भारत के 9 मित्र देशों के आपूर्ति समूह से भाग लिए और 7 अन्य देशों के संगठनों ने भी भागीदारी की। आवभगत से, आतिथ्य सेवा से वे मजबूत थे और थीम भी G20 का वसुधैव कुटुंबकम का मुकाम है। वसुधैव कुटुंबकम का हमने कभी नहीं बोला कि अपना है ये पराया है। हमारे यहां तो हमेशा इस बात को कहा गया है, वयम निज परोवृत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम का भाव। भारत की उसी परंपरा ये सबसे बड़ी बात रही है, सदैव इस बात को महत्व दिया। और जहां वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो हमारे विपक्ष में बैठे हुए लोग, मैंने गलती कहा था कि हर समस्या के समाधान के दो रास्ते होते हैं, या तो उसमें भाग लो या भाग लो। समाधान करने वाली टीम है तो यहां भाग ले रही है। जब हम यहां पे वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का भारत का संदेश पहुंच रहा है, तब जाति की बात कर रहे हैं। जब हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात कर रहे थे, ये सब जानते हुए कि इसी कारण से उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, इन्हीं कारणों से उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट पड़ा हुआ है। पहचान का संकट, उत्तर प्रदेश का नौजवान कहीं जाता था पहचान का उनका संकट, लोग बताते नहीं थे, नौजवान बताता भी नहीं था। इसी कारण से उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, इन्हीं कारणों से उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट पड़ा हुआ है। पहचान का संकट, उत्तर प्रदेश का नौजवान कहीं जाता था पहचान कर उनका संकट, लोग बताते नहीं थे, नौजवान बताता भी नहीं था। और इस संबंध में बहुत अच्छी बात कही है एक बड़े विद्वान ने, कहा कि समस्या का समाधान इस पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। दुर्योधन का सलाहकार शकुनी था और अर्जुन का कृष्ण था, परिणाम सब शकुनी को पालेंगे तो सत्यानाश होना ही होना है। और यह दृश्य अगर विपक्ष समझ पाएगा तो संभवतः कुछ संस्कृति आए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।